अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ अजीम राना। हेडलाइंस आपने देखी, यहाँ पर खबर शामिल करते हैं। एफबीआर का बड़ा एक्शन, पनामा के मामले में अहम पेशरफ्त। एफबीआर के अहलकारों ने जाती उम्र में हसन और हुसैन नवाज के घर के दरवाजों पर नोटिस जस्पा किए। हसन नवाज और हुसैन नवाज से टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट मांगी गई थी। तफसीला जानते हैं शबीर हैदर से। शबीर हैदर आगा कीजिएगा। एफबीआर का बड़ा एक्शन सामने आया है कि पनामा के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है कि पनामा केस में हसन नवाज और हुसैन नवाज की जानब से नोटिस का जवाब ना देने की वजह से एफबीआर हरकत में आ गया है। एफबीआर ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के घर के बाहर जाती उम्र पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। एफबीआर जराय का कहना है कि जी हसन नवाज और हुसैन नवाज को बारह नोटिस जारी किए गए थे, जिस पर उनका जवाब ना देने की वजह से नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा किए गए। इस हवाले से एफबीआर जराय का कहना है कि हसन नवाज और हुसैन नवाज से गुजश्ता 10 साल की टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट मांगी गई थी, जिस पर हसन नवाज और हुसैन नवाज की जानब से टैक्स रिटर्न का जवाब भी नहीं दिया गया। और ये जो टैक्स रिटर्न का मांगी गई थी, इसमें साल 2008 से लेकर साल 2017 तक की टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट का जवाब तलब किया गया था। एफबीआर जराय का कहना है कि अगर हुसैन इसमें एफबीआर की जानब से हसन नवाज और हुसैन नवाज को एक माह का वक्त दिया गया, अगर वो एक माह के अंदर अपना ये जवाब जमा नहीं करवाते तो एफबीआर जराय का कहना था कि वो कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई अमल में लाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका शबीर हैदर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।